देखिए क्या होता है, मिसाल देता हूं, फायर फाइटिंग होती है, जैसे आग बुझाना है। अब आग बुझाने में आपको पता है ट्रेनिंग के अंदर उनको जो आग दी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान आग दी जाती है, कैसी आग? नकली आग। और वो नकली आग को उन्होंने बुझा लिया, थोड़ी आग होती है, कंट्रोल्ड आग होती है, उसको बुझा लिए, बुझाते बुझाते कॉन्फिडेंस आता है। ट्रेनिंग होती है तो उनको लगता है हम आग बुझा लेंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। क्या कॉन्फिडेंस आता है? कि हम आग को बुझा सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस की वजह से जब वो रियल आग में बाद में पहुंचेंगे, ट्रेनिंग मिली है उनको, वो छोटी मोटी आगें, वो नकली आग, नकली आग होती है, असली नहीं होती आग, वो नकली आग को बुझा बुझा के उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उतनी ट्रेनिंग आ जाती है, उतनी सलाहियत आदमी सीख लेता है कि फिर असली आग को भी बुझाने की कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब यहां क्या है कि हमारे दुश्मन जो हमारा दुश्मन जो शैतान है, जो चाहता है कि हम सब जहन्नम जाएं, हम सब वहां का ईंधन बने, वहां पे आग में जले, वो भी जलेगा हम भी जले, उसका यही गोल है। उसको हमारे रुपये डॉलर नहीं चाहिए, उसको हमें आग में पहुंचाने का। अब इस महीने में बड़े बड़े जो शयातीन सब कैद होते हैं, तो फिर क्या होता है, छोटे मोटे जो होते हैं उनको तुम हराओ, उनको हराओ। तुम्हारा नफ्स भी है, हमारा नफ्स भी कैद नहीं होता है। आपको पता है ना, हमारे अंदर नफ्स है जो अच्छाई का हुक्म भी दे सकता है और बुराई का हुक्म भी दे सकता है। बिगड़ गया तो बुराई का हुक्म देगा, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 है, और अच्छाई का हुक्म भी देता है। इन्ना नफ्सा लम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बुराई का हुक्म देता है, यानी बिगड़ा हुआ नफ्स होता है ना तो बुराई का हुक्म देता है। तो ये नफ्स जो होता है ये भी कैद होता है क्या? ये कैद होता है? हाँ, उस पर चेन जकड़ा हुआ होता है वो? नहीं, वो आजादी है। लेकिन हम फोकस कर सकते हैं कि ओके, अभी नफ्स को ठीक करना है,